छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली में भाजपा भिलाई के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। साथ ही युवा भाजपाइयों ने सिविक सेंटर भिलाई के अर्जुन रथ पार्क से रैली निकालकर सेंट्रल एवेन्यू मार के आस्था चौक तक पैदल मार्च करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किस प्रकार की यात्रा है, क्यों निकाली जा रही है? ये सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, SI भर्ती जो होनी चाहिए थी उसको बंद कर दिया गया है, और इस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जो वादे इन्हें किए थे सरकार ने, गंगा जल हाथ में उठा के वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे शराबबंदी की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, रोजगारों बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, कोई भी बात पूरी नहीं की है। और ये सरकार छलावा कर रही है पूरे प्रदेश की जनता के साथ में। आने वाले चुनाव में इसके क्या असर देखेंगे? आने वाले चुनाव में इस निकम्मी सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, ये सरकार का ये आखिरी मामला है। और ये हमारी महिला मोर्चा की हुंकार रैली निकलने वाली है बिलासपुर में, 1,00,000 महिलाएं इकट्ठी होंगी। युवा मोर्चा के माध्यम से जो धक्का एक लगा है, अब महिलाओं की हुंकार रैली के माध्यम से दूसरा धक्का इस सरकार को लगेगा। आज जिस प्रकार से रैली में आप लोगों की एकजुटता दिख रही है, क्या मानते हैं, कैसा संकेत मानते हैं इसको? कमल की बात मैंने पहले भी की है, कमल के साथ सब है, कमल को खिलाना है, कमल ही हमारा नेता है, कमल ही हमारी शान है, वही हमारी पहचान है, और उसी की आन मान शान के लिए सारे नेता और सारे कार्यकर्ता नौशावर हैं। आपके आने के बाद क्यों एक्टिव हो रही? इससे पहले तो 4 साल सुस्त थी भाजपा। भाई ये आया हूँ मैं और जो काम करना चाहिए कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, पहले भी जुड़े हुए थे लेकिन अब थोड़ा सा और स्पीड से जुड़ रहे हैं। आज युवा शक्ति, युवा की चिंता अब होने लगी 4 साल। भाई 4 साल की बात छोड़िए, आप अभी की बात कीजिए ना, अभी चिंता हो रही है और लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जो ऊर्जा पैदा हुई है इसका जो संकलन ये ऊर्जा का संकलन करके 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, संगठन की घोषणा भी होने बाकी है, क्या माना जाए कब तक इसको आप लोग पूरा करेंगे? ये बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा असल में क्या मेरे मंडलों के कार्यक्रम है, अभी भी एक मंडल की बैठक लेकर के आया हूँ, तो 4 मंडलों की बैठक हो गई है, 6 मंडलों की बैठक और है, हुंकार रैली का कार्यक्रम है 11 तारीख को, इसलिए सब कर नहीं पाया हूँ। ये रैली निपटने के बाद सब चीजों का गठन हो जाएगा। आज भारत जोड़ो यात्रा भिलाई में भी हुआ, कैसे देखते हैं उसको महापौर और जिला अध्यक्ष ने देखा? कांग्रेसी जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे, तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे 1947 के बाद, तो उन्होंने जातियों को तोड़ा है, आपस में बांटा है, क्रिश्चियनों को मुसलमानों को केवल सपने दिखाए हैं, उनका सपना पूरा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। आज 8 साल में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं शासन में, आज उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया। 2024 चुनाव की तैयारी? तैयारी चुनाव की बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, कभी पीछे नहीं हटती है।